learning box by Puntun Kids. That's right. So today, what are we going to learn? हम किस चीज के बारे में सीखेंगे? हमने तितली के बारे में क्या क्या सीखा है आपको याद है? उसके शरीर के अंग सीखे हैं और हमने तितली को बनाया भी है. तो आज हम तितली के बारे में कुछ और अच्छी चीज सीखेंगे. और वो क्या है पता है? उसे हम बोलते हैं जीवन चक्र. क्या बोलते हैं हम? जीवन चक्र, जिसे हम इंग्लिश में लाइफ साइकिल बोलते हैं. तो आज हम तितली का जीवन चक्र सीखेंगे. और सबसे पहले तो क्या आएगा? सबसे पहले है हमारे पास रंग बिरंगी खूबसूरत सी तितली. करेक्ट, ये है हमारी प्यारी प्यारी तितली. और ये तितली कैसे और होती है, उसका जीवन चक्र कैसे होता है, वो कैसे बच्चों को पैदा करती है, हम कैसे आते हैं, हम बच्चों के जैसे निकलते हैं. और मालूम है तितली रानी क्या देती है? राइट, वो है तितली रानी अंडे देती है. क्या देती है? अंडे. वो सिर्फ बच्चे नहीं देती है डायरेक्टली, वो क्या देती है? पहले अंडे देती है, फिर मालूम है कुछ टाइम बाद अंडे किधर देती है? पर आप हर वक्त देखेंगे तितली कोई ही पत्तों पे ही अंडे देती है. और फिर ये अंडे जब टूटते हैं तो उनसे क्या निकलता है? क्या है ये? ये कैटरपिलर, जिसे हम कमला बोलते हैं. ये है कमला, ये कमला जो अंडे जब हैच होते हैं, जब अंडे टूटते हैं तो उसमें से निकलती है कमला, प्यारी प्यारी कमला. जो क्या करती है, सबसे पहले क्या खाती है? वो जो कैटरपिलर है वो क्या खाती है सबसे पहले? वो अंडे के छिलके खाती है. और फिर उसके बाद वो कुछ मीठे मीठे फल और सब्जियां खाती है. तो वो क्या खाती है? फल, सब्जियां और एक और चीज खाती है, वो है पत्ते. जो ये है झाड़ के पत्ते होते हैं ना, उसे भी खाती है. तो कमला बहुत खाती है, बहुत सारे फल खाती है, बहुत सारे सब्जियां खाती है, बहुत सारे पत्तियां भी खाती है. और खाके बहुत मोटी मोटी होती है. फिर ये जब मोटी हो जाती है तो क्या होते हैं? जब हम मोटे हो जाते हैं हम बहुत लेजी हो जाते हैं और हम सोना चाहते हैं. तो फिर कमला हो जाती है, एक कवर बना देती है अपने ऊपर, एक कुकून में बंद कर देती है. पर जब वो कुकून में बंद करती है वो एक प्यूपा बन जाती है, वो है कोष्ठकी. वो एक कोष्ठकी में अपने आप को टर्न करती है और उसके ऊपर एक शेल बना देती है, जिसे हम कुकून बोलते हैं. और फिर धीरे 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 ये कुकून खुलता है और फिर कुकून से एक प्यारी सी रंग बिरंगी सी तितली निकलती है. करेक्ट, सो ये हुआ हमारा तितली का जीवन चक्र. और ये सब जो चेंजेस तितली करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कायापलट बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. ये सब है तितली के काया पलट, इसे हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. तो चलो एक फिर से हम रिकैप देख ले. तो फिर ये है हमारा तितली का जीवन
चक्र। और ये देखो, ये है हमारी तितली। तितली ने हमें क्या दिए? अंडे दिए। अंडे से क्या निकलता है? एक कैटरपिलर, जिसे हम कमला बोलते हैं। और फिर कैटरपिलर किसमें चेंज होता है? कोष्ठकीट में। करेक्ट, वो है एक कोष्ठकीट, जिससे वो अपने आप को एक शेल से बंद कर देता है। उस शेल को क्या बोलते हैं हम? कुकून। करेक्ट, उस शेल को हम कुकून बोलते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद वो कुकून से धीरे धीरे कौन बाहर निकलती है? हमारी प्यारी सी तितली रानी। सो ये हुआ हमारा तितली का जीवन चक्र, जिसे हम काया पलट बोलते हैं। उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ये सब है तितली का काया पलट। तो आई होप आप सभी को ये जान के बहुत अच्छा लगा कि तितली कैसे कैसे काया पलटती है। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।